Nothing has to be perfect in life. Hello my lovelies, welcome or welcome back to my channel. I hope you're all doing well and I hope you're all staying safe. As you know from the title कि आज का वीडियो क्या होने वाला है, like मानसून में ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और बहुत ग्रीसी बाल हो जाते हैं और रोज़ रोज़ हेयर वॉश करेंगे नहीं तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा. तो आज हम हेयर स्टाइल्स की बात करेंगे. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट टुडे. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट यू गोइंग टू नीड इज दिस कॉम्ब और एनी कॉम्ब फॉर दैट मैटर जिससे मांग निकल पाए एंड अ ब्रश ताकि आप अपने बाल सुलझा पाएँ and some rubber bands and tic tacs and as you can see mere baal bahut greasy ho rahe hain and I washed my hair on Monday and aaj Wednesday hai and as you can see it's already so greasy. So I thought why not use this opportunity and show you guys some hairstyle. So the first one is just comb out your hair, maang nikal le side ki properly ek straight line mein एंड बस अच्छे से कॉम्ब कर ले बालों को. एकदम स्लीक रखना है आगे के बालों को. मेरा हेयर कट लेयर्स में है तो आगे के बाल थोड़े छोटे हैं. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉम्ब आउट दिस हेयर, उसको एकदम स्लीक कर लेंगे एंड देन आई विल यूज टिक टैक और उसको कॉम्ब करके टिक टैक को ईयर के पीछे पिन कर देंगे इस तरीके से सो दैट मेरे ये वाले हेयर बिल्कुल ना हिले. एंड आई एम यूजिंग टू टिक टैक्स, आप एक भी यूज कर सकते हो हाउ एवर मैनी यू वॉन्ट. अब दूसरी साइड में आते हैं. इधर के बाल मेरे लंबे हैं सो आई एम नॉट गोइंग टू पिन देम बट मैं प्रॉपरली इसको स्लीक कर लूंगी एकदम एंड मैं इसको ईयर के पीछे लेके जाऊंगी वेरी नीटली एंड देन पीछे के हेयर को कुछ इस तरीके से कॉम्ब करेंगे पोनी बनाने के लिए. ऐसे पोनी बनाएंगे एंड हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि हमको बालों को पीछे नहीं लेके जाना है. वी हैव टू नीचे की तरफ उसको कॉम्ब करना है ताकि वो गंजापन ना दिखे, वो जो थोड़ा थोड़ा ऐसे खाली रहता है ना हम लोगों के बालों में वो. सो एक रबर बैंड से हमने पोनी बना ली एंड इसके बाद बहुत सिंपल है. इफ़ यू हैव स्ट्रेट हेयर और यू वॉन्ट टू कीप दिस पोनी लाइक दिस आप ऐसे रख सकते हो. अदरवाइज वॉट आई डू इज I divide it into two parts, दो parts में divide कर देंगे and इसको criss-cross करके एक चोटी बना लेंगे, almost चोटी type की बना लेंगे and फिर इसको bun में बांध लेंगे. like bun बना लिया and then just take a bobby pin और उसको bun में लगा दो एंड देर यू हैव इट. हेयर स्टाइल बन गई स्लीक लो बन. दिस इज कॉल्ड स्लीक लो बन एंड इट लुक्स वेरी नीट वेरी ब्यूटिफुल. और ये आप रेगुलर डेज में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सब बाल सिर्फ ग्रीसी हो तभी कर सकते हो. यू कैन मेक देम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. मूविंग ऑन टू सेकेंड हेयर स्टाइल. सेकेंड हेयर स्टाइल इज प्रोबेबली माई फेवरेट एंड ऑल यू हैव टू डू इज टेक योर हेयर, मेक अ सेंटर पार्टिंग. बेसिकली ये सेंटर पार्टिंग बन है लाइक जो हमने पहले स्लीक बन बनाया था. एंड मुझे आप कॉमेंट में बता सकते हो कि इफ़ आई एम अ गुड टीचर, आपको अगर मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है एंड यू आर लर्निंग एनी थिंग फ्रॉम इट. सो प्लीज़ डू कॉमेंट एंड टेल मी. सो वॉट वी हैव टू डू इज मेक अ सेंटर पार्टिंग एंड जैसे लास्ट हेयर स्टाइल में स्लीक करे थे बाल एंड ईयर के पीछे जो पिन किया था
वैसे ही टिक टैक से यहाँ पे पिन कर लेंगे बोथ साइड्स। अगर कुछ बालों में ऐसे गड़बड़ लग रहा है तो कोम से उसको स्लीक कर लें। एंड पीछे वाले बालों का क्या करेंगे, पीछे वाले बालों को लास्ट हेयर स्टाइल की तरह पोनी में ही बांध लेंगे ऐसे इस तरीके से। एंड इफ़ यू हैव स्ट्रेट हेयर और यू वॉन्ट टू मेक योर हेयर स्ट्रेट यू कैन डू दैट, और यू कैन मेक अ लो बन जैसे लास्ट हेयर स्टाइल में किया था। सो आई लव दिस हेयर स्टाइल बिकॉज मेरे को सेंटर पार्टिंग बहुत सही लग रही है। सो दिस इज़ आवर सेकेंड हेयर स्टाइल एंड दिस इज़ प्रोबेबली माई फेवरेट। अभी रिसेंट टाइम्स में आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग द सेंटर पार्टिंग। ये प्रोबेबली माई फेवरेट हेयर स्टाइल फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि अभी सेंटर पार्टिंग इज सॉर्ट ऑफ ट्रेंडिंग राइट नाउ। एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग माई फेस इन द सेंटर पार्टिंग। व्हाट डू यू गाइस थिंक, आप लोगों को कैसा लगता है? फॉर द थर्ड हेयर स्टाइल वी आर गोइंग टू पार्ट आवर हेयर इन द सेंटर, और इसमें हम ब्रेड बनाएंगे। एंड ऐसे ब्रेड बनाना है तीन सेक्शन वाली, एंड लोअर सेक्शन में नीचे वाले बाल ऐड करते जाना है। इस तरीके की ब्रेड बन जाएगी एंड इट डजेंट हैव टू बी परफेक्ट बिकॉज नथिंग इन लाइफ इज। एंड नथिंग हैज टू बी परफेक्ट इन लाइफ। सो या नाउ वी आर गोइंग टू डू द अदर साइड। ऐसे ही दोनों साइड्स की ब्रेड कर लेंगे हम। एंड अब हम पीछे के बालों को दो पार्ट्स में डिवाइड करके उसको भी ब्रेड में कर लेंगे, और जो आगे वाली ब्रेड बनाई थी उसको उसमें ऐड कर देंगे। यू गेटिंग मी? ऐसे दो चोटी बन जाएंगी हमारी, जैसे हम लोग स्कूल जाते थे तब करते थे। एंड अब आई विल टर्न बैक एंड शो यू। इस तरीके से क्रॉस करके उसको बना लेंगे एंड उसको क्रॉस करके पिन कर देंगे। सो इट विल लुक लाइक सॉर्ट ऑफ प्रिंसेस बन, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट। दिस इज़ व्हाट आई डू, इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। सो दिस इज़ देयर यू हैव इट द थर्ड हेयर स्टाइल। एंड तो आप ट्राई कर सकते हो ये हेयर स्टाइल ऑयली और ग्रीसी हेयर में, क्योंकि एज यू नो ह्यूमिडिटी में बाल बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी हो जाते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। एम आई अ गुड प्रोफेसर और नो? एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।